नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम वातावरण, पर्यावरण या आप ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को परिभाषित किया है, जिनमें से मुख्य जो परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम बात अब करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ कहते हैं कि जीवन के वातावरण में वो सभी तत्व आते हैं जो जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं, यानी जब से जीवन शुरू हुआ है, जब वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो सभी कारक वातावरण में आते हैं। दूसरी परिभाषा है रोज की। रोज कहते हैं कि वातावरण वो बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी एक बाहर की शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उसके बाद में वातावरण जो हमारा परिवेश है, हमारे चारों तरफ आने वाली हरेक वस्तु, चाहे वो सजीव है या वो निर्जीव है, सभी हमारे वातावरण में इंक्लूड होते हैं, वातावरण में आते हैं। इसके बाद आता है वातावरण के प्रकार। वातावरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण, दो मुख्य प्रकार से हैं। आंतरिक वातावरण का जो समय है वो रहता है गर्भाधान से जन्म तक, यानी ये 9 महीने का समय है। इस 9 महीने में जो बच्चा सीखता है वो सब उसके आंतरिक वातावरण से होता है। इस आंतरिक वातावरण में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने तक। उसका वातावरण उसकी बॉडी है, माँ का शरीर ही उसका वातावरण है। जिस प्रकार का खाना वो माता खाएगी वैसा ही बच्चे का स्वास्थ्य बनता है। यदि माता शारीरिक रूप से कमजोर है तो बच्चा भी शारीरिक रूप से ही कमजोर होगा। यदि माँ अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेती है तो उस बच्चे को प्रोटीन से ग्रसित कुछ बीमारियां जो हैं, प्रोटीन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन डिजीज जो हैं उसको हो सकते हैं, मरासमस, क्वासियोरकर जैसी बीमारियां। यदि गर्भवती महिला किसी नशीली दवाओं का या नशीली चीजों का सेवन करती है तो उसका भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी का ये वातावरण है। उसके बाद हम बात करेंगे बाह्य वातावरण की। बाह्य वातावरण के भी कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण, तीसरा जो प्रकार रहेगा वो है मानसिक वातावरण, और चौथा जो प्रकार है वो होगा स्वेगात्मक वातावरण। तो जो बाह्य वातावरण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं, जैसे भोजन आएगा, घर इसके अंदर आता है, तापमान, जलवायु, ये सब चीजें जो हमारे पर्यावरण में है। हमारा वातावरण कैसा है, गर्म है, ठंडा है, आर्द्र है, किस प्रकार का है, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में आएगा हमारा परिवार, पड़ोस, खेल का मैदान,
खेल का मैदान, स्कूल, अध्यापक एवं मित्र, ये सब चीजें आती हैं। इनके अंदर रह करके वो किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करता है, ये सामाजिक वातावरण का एक अंग है। मानसिक वातावरण का संबंध मन से है, मन यानी दिमाग, बुद्धि से है। तो जिस तरह की वो क्रियाकलाप करता है अपने पर्यावरण में रह करके, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि विकसित होती है। स्वेगात्मक यानी इमोशंस, बच्चे के इमोशंस कैसे हैं, वो इमोशंस डिपेंड करते हैं उसके वातावरण में। तो बाह्य वातावरण में ये चार वातावरण आते हैं, भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं स्वेगात्मक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।